लकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे सेहतमंद होंगे खुशहाल होंगे आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही करीं अभी इवनिंग के चार बजे हैं एग्जैक्ट क्लॉक ने टक आवाज़ दी है और अभी अभी मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ क्योंकि मैंने ना वीडियो अपलोड करना था तो फिर मुझे ना एडिटिंग वगैरह करना पड़ता है थंबनेल वगैरह लगाना पड़ता है जो भी यूट्यूबर है वो जानते होंगे तो ये सारे चक्कर में चार बज जाते हैं मुझे तो मैंने कहा चलो आज का ब्लॉग जो है शाम से ही स्टार्ट करते हैं तो आज है सैटरडे तो श्रेना कलर्ड कपड़े पहन के गया था तो उसका यूनिफॉर्म वगैरह भी वॉश नहीं करना वरना मैं वॉश करती हूँ तो चलो फटाफट से लगते हैं अपने काम में जो भी घर के काम होते हैं तो यही होता है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है दोपहर को भी मुझे भी अच्छा लगता है सोना मुझे भी अच्छा लगता है सबकी तरीके से आराम करना और अपनी मनपसंद चीज़ें करना लेकिन यूट्यूब के चक्कर में नहीं सो पाते हैं जिस दिन मैं सो जाती हूँ ना उस दिन ब्लॉग नहीं आ पाते हैं, तो इस वजह से मैं सोती नहीं हूँ अच्छा मैं ना अब डेली शाम को तीन बजे या दोपहर को तीन बजे मैं ब्लॉग डालती हूँ सो प्लीज़ मेरे ये ब्लॉग ज़रूर जरूर देखा कीजिए अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक भी कीजिए और नहीं आते तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं एंड यस yes, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले आज मैं वीडियो में बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में जो बैल आइकन है ना उसको भी प्रेस कीजिए तो चलो रूम के बाहर चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ पे श्रेणी पैंट वगैरह ऐसे ही डाल दिया बेड पे थोड़ा सा पहले बेड से ही कर लेती हूँ बेडरूम ना बिखरा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बालों को ना अच्छे से टक कर लेती हूँ अब काफ़ी अच्छा लगने लगा है यहाँ पर बाहर देखे मेरे पति देव जी जो हैं कपड़ों पे आयन कर रहे हैं ढेर सारे कपड़े हैं इनके लिए तो ये आयन कर रहे हैं जब तक मैंने सोचा चलो इनके लिए चाय रख देती हूँ बनाने के लिए और श्रेय को मैंने बिठा दिया है पढ़ाई करने के लिए आज है सैटरडे तो मैं यही सोचती हूँ कि चलो सैटरडे को वो होमवर्क जो है कर लेगा फिर संडे को थोड़ा सा फ्री रहेंगे बच्चे है ना स्कूल से आके श्रे ने कुछ भी नहीं खाया था तो मैंने सोचा चलो इसको कुछ दे देती हूँ खाने के लिए जो हेल्दी भी हो और उसको पसंद भी आए टेस्ट करो आप ये पुराना व्लॉग है जो न्यू व्लॉग जो पहले अपलोड करना जरूरी था वो मैंने अपलोड कर दिए हैं आप जाके जरूर देखेगा मैंने अपने शादी का एल्बम व्लॉग भी डाला है जरूर डाल के देखेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ सबके लिए चाय उसके बाद मैंने सबको चाय दे दी है मीन वाइल्स श्रे को दे दिया है बनाना डेजर्ट तो वो अपना वो इंजॉय कर रहा है क्योंकि बच्चों को चाय ज़्यादा देना भी नहीं चाहिए सर्दी या ठंड का मौसम हो वो एक अलग बात है आप दूध मिला करके दे दीजिए लेकिन वैसे चाय नहीं देना चाहिए चाय फैल थी थोड़ी मैंने कहा चलो साफ कर देती हूं वरना चीटी बहुत जल्दी आ जाती है आजकल और लगे हाथों बर्तनों को भी मैंने खाली करना था तो मुझे लगा चलो खाली कर ही देती हूँ क्योंकि फटाफट से काम करके मुझे अभी चावल लेना है नहा धोकर फिर जाऊँगी पूजा करने के लिए आ, हमारे पास में जो मंदिर है वहाँ पर मैं जाती हूँ पूजा के लिए आरती के लिए तो वहाँ के लिए रेडी होना है तो नहा धोकर ही जाऊँगी अच्छे से शुद्ध धोकर के और आज मैं सोचे हूँ डिनर में बना लूँ आलू के पराठे तो आलू वगैरह बॉयल करके रख के तब जाऊँगी आसुमा कर रही है पूजा की तैयारी दिया वगैरह बनाना प्रसाद रखना ये सारी चीजें और यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब मैं हो रही हूँ रेडी पूजा के लिए आरती में जाने के लिए बहुत सिंपल सा मेकअप कर रही हूँ एक जेल लगा लिया बिंदी लिपस्टिक सिंदूर दैट इट गया हमारा मेकअप चलो, चलो, चलो गाड़ी बना के गाड़ी बना वना के दाढ़ी बना के नीचे पहुंच के ना मुंबई से गाड़ी आई रे ओ डरिया राजा मुंबई से गाड़ी आई रे तो 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 तो। रेडी हो गई है पूजा के लिए चलते हैं वहाँ पर मम्मी से वेट कर रही है 什么呀？对。 शाम के टाइम इतना अच्छा लगता है मंदिर में बहुत सारी लोग औरतें आ जाती हैं और भी अड़ोस पड़ोस की तो काफ़ी अच्छा एक माहौल क्रिएट हो जाता है मेरी माता रानी भी आप देख सकते हो थोड़ी सी उनकी झलक दिख रही है संतोषी माता दुर्गे माता बहुत प्यारी लग रही है लाल कलर की लहंगा चुनरी उन्होंने पहनी हुई है आज तो अब उनके ना कपड़े वगैरह लाने हैं और उनका पेंट भी सोच रही हूँ करवा देती हूँ अभी नहीं मैं सोच रही हूँ नवरात्रि में जो है करवा देती हूँ पेंट उनका उनका हल्का हल्का पेंट भी निकल आया है और पता नहीं क्यों आज ऐसा हुआ आरती करते करते मेरे आँखों से पानी आ गया और आंसू आ गए सड़ एकदम से मुझे पता नहीं क्यों रोना आ गया उनको देख के होता है ना जब आपके आप बहुत अच्छे भाव से मन से करते हो ना तो आपके आँखों में ज़रूर पानी आता है उसके बाद

तो यहाँ पे आप देख सकते हो श्रेय देख रहे हैं अपना फेवरेट वाला प्रोग्राम जो कि है श्री कृष्णा उसको बेहद पसंद है साथ बजते ही वो बैठ जाता है टीवी देखने के लिए श्री कृष्णा रामायण महाभारत उसको बेहद ज़्यादा पसंद है व्यूअर्स मेरे जानते होंगे जो ओल्ड व्यूअर्स हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग उसके लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो वो पढ़ के इतना खुश हो जाता है सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ डिनर में पराठे सबके लिए आलू के पराठे अच्छा मसाला ना मैंने पहले ही लगा लिया मुझे नहीं लगा कि मसाले की रेसिपी जो है शेयर करनी चाहिए बहुत सिंपल सा मसाला है आलू को बॉईल करके छील करके हरी मिर्ची धनिया और धनिया का पाउडर लाल मिर्ची का पाउडर और अच्छे से नमक हींग डाल करके और ये मसाला बन तैयार है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये आलू के पराठे का जो आटा होता है एकदम सॉफ्ट आटा होना चाहिए उसके पराठे एकदम फूल के बाहर आते हैं अभी हमारे घर में क्या है ना जो पराठे थोड़े से क्रिस्पी अच्छे लगते हैं सबको तो मैं थोड़े से क्रिस्पी ही बनाऊंगी आप फिर बोलोगे पराठे जल रहे हैं तो जल नहीं रहे हो सकता है कैमरा में पता नहीं मुझे कैसा दिख रहा है लेकिन हमारे घर में इस तरीके से थोड़े से यू you नो know, रेड रेड और एकदम कुरकुरे पराठे ही अच्छे लगते हैं सबको पराठे के साथ हम लोगों ने लिया था फ्राई कड़ी आज श्राद का दिन था तो सुबह की जो कड़ी बची हुई थी उसको मैंने फ्राई कर लिया बहुत टेस्टी लगे थे पराठे के साथ और मैंने चटनी वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था आज सिर्फ सिंपल सा इतना ही डिनर था अच्छा मुझे एक बात और शेयर करनी थी आप लोगों के साथ आप लोग बोलते हो मैम आप सब कुछ इतना कैसे मैनेज कर लेते हो आप अकेले बिना किसी हेल्प के घर के काम यूट्यूब जॉइंट फैमिली परिवार बच्चा किचन बिल्कुल भी आसान नहीं था मेरे लिए हाँ मैं ये बात मानती हूँ लेकिन आज मैं आपके सामने अपने पतिदेव के सारे राज खोलना चाहूंगी जो मैंने कभी नहीं बताए आज बताती हूं देखिए मेरे पति देव जी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं बहुत बिहाइंड द कैमरा बहुत सपोर्ट करते हैं कभी कभी मन गिर जाता है कि कैसे क्या करें यूट्यूब पे नहीं वीडियोस चल रहे तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी फ़ैमिली मेरे हस्बैंड मेरा बच्चा सभी लोग बहुत सपोर्टिव हैं तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड के लिए तो सारा अपना किचन क्लिनिंग वगैरह निपटा करके यहाँ पर आ गई हूँ हाथ पैर धो करके अच्छे से कपड़े चेंज कर लिए हैं और मुझे आज करना था हेयर मैंने बहुत बहुत सोचा था कि मुझे हेयर ऑयलिंग करना ही है तो बस मैं बैठ गई हूँ अपना ऑयल लेकर के अच्छे से हेयर ऑलिंग करी उसके बाद बहुत अच्छे से कॉम्बिंग करी और उसके बाद जो है चोटी बना लूँगी और मुझे हेयर रोलिंग करने के बाद इतना अच्छा रिलैक्स फील हुआ ना बहुत अच्छा लगा एक मतलब आ, आ, एक अंदर से ठंडक जैसा पहुंचा और मुझे बहुत अच्छा लगा मसाज हो गई ना सर की इसलिए उसके बाद फिर एकदम सिंपल सा जो हमारा वीकेंड है हम लोग थोड़ा सा अपना फ़ैमिली टाइम स्पेंड करेंगे एंजॉय करेंगे मस्ती करेंगे टीवी देखेंगे अभी मैंने बालों में किया है हेयर ऑयलिंग और बना ली है इस तरीके से छोटी काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है अच्छा आपको देखना है कि हेयर ऑयलिंग कैसे करनी है तो उसके लिए मैंने बेसिकली बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं आप सारे वीडियोस के लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं और अभी बज रहे हैं देखिए आप घड़ी में पीछे नौ बज के दस मिनट हो रहे हैं हमारा डिनर हो गया है सारी साफ सफाई भी जल्दी हो गई है और अब हम लोग खेलेंगे लूडो है नश्रे हाँ। हाँ। तो आज हमारा प्लानिंग है वीकेंड में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं घर पे रह रहके फैमिली टाइम स्पेंड और लूडो खेलेंगे और उसके बाद फिर बस ऐसी मस्ती चलेगी देन फिर आम सो जाएंगे तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं मिलते हैं नए ब्लॉग में जब तक के लिए खुश रहिए पॉजिटिव रहिए हेल्दी रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय